और दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा 14 से 18 जनवरी के बीच बेलरीव ओवल होबाल्ट में इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह के 9:30 बजे से। और ये एशेज टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला जाएगा, यानी कि डे नाइट मुकाबला होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बेलरीव ओवल होबाल्ट की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मैदान के ग्राउंड रिकॉर्ड्स क्या हैं। इसके अलावा इस मुकाबले में दोनों कप्तान को टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहिए, वहीं पर बेलरीव ओवल होबाल्ट की पिच पर कौन से बॉलर्स ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, वहीं पर इस पांचवें टेस्ट मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती हैं, और वीडियो के अंत में मैं अपने इस मुकाबले की विन प्रेडिक्शन भी देने वाला हूं। तो ओवरऑल ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सभी क्रिकेट फैंस के लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पांचवा एशेज टेस्ट मैच है ये डे नाइट मुकाबला होगा, जो कि पिंक बॉल से खेला जाएगा। इससे पहले इसी एशेज सीरीज में दूसरा टेस्ट मैच जो कि एडिलेड ओवल में खेला गया था वो भी पिंक बॉल से हुआ था। तो ऐसा पहला मौका होगा जब होबाल्ट में कोई पिंक बॉल से डे नाइट मुकाबला खेला जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेदर रिपोर्ट की। तो यहाँ पर जो वेदर फोरकास्ट निकल कर आ रही है पांचों दिन, वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि शुरुआत के 2 से 3 दिन आपको बारिश से प्रभावित यह टेस्ट मैच देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं आपको डे वाइज टेम्परेचर्स और वेदर फोरकास्ट बताऊँ तो जो डे वन का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं पर जो बारिश की संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है, 73%, और ये भविष्यवाणी की गई है कि आपको आफ्टरनून के सेशन में कुछ शावर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं पर इस दिन भी बारिश की संभावना काफी ज्यादा है, 83%, और इस दिन फोरकास्ट है कि आपको मॉर्निंग सेशन में भी पासिंग शावर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आफ्टरनून सेशन में भी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो यहां पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं पर इस दिन बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है और आपको इस दिन मोस्टली क्लाउडी कंडीशंस देखने को मिलने वाली हैं। वहीं पर चौथे दिन की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और इस दिन आपको सनी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं बिना किसी बारिश के। वहीं पर पांचवें और आखिरी दिन की बात करें तो यहां पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो ड्रॉप डाउन होकर 17 डिग्री सेल्सियस का रह सकता है। इसके अलावा मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस का हो सकता है और आखिरी दिन भी आपको बारिश की संभावना बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी और इस दिन भी क्लाउडी कंडीशंस रह सकती हैं। तो वेदर फोरकास्ट समराइज्ड फॉर्म में यही है कि आपको पहले 2 दिन होबाल्ट में बारिश देखने को मिल सकती है, मॉर्निंग सेशन में भी, इसके अलावा आफ्टरनून सेशन में भी, लेकिन तीसरे, चौथे और पांचवें दिन बारिश की कोई भी संभावना नहीं है और बाकी के 3 दिनों में आपको पूरा खेल होता हुआ नजर आएगा। हालांकि पहले 2 दिन में भी आपको खेल होता हुआ नजर आएगा, लेकिन पहले 2 दिन बारिश से भी प्रभावित रहेगा ये टेस्ट मैच। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बेलरीव ओवल होबाल्ट की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ग्राउंड रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो इस मैदान पर अभी तक टोटल 13 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 8 मुकाबले जीते हैं, जबकि पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं। तो ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं कि इस मैदान पर और इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है और ज़्यादातर मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ही जीतती है। और ये आंकड़े एक और बात आपको स्पष्ट कर देते हैं कि यहाँ पर जो बैटिंग कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं, बल्लेबाज इंजॉय करते हैं इस पिच पर बल्लेबाजी करना और आपको इस मैदान पर बड़े स्कोर्स देखने को मिलते हैं। शुरुआत में थोड़ा बहुत यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन इसके बाद पिच जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट हो जाती है और आपको बड़े बड़े स्कोर्स होबाल्ट के मैदान पर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम एवरेज स्कोर्स की बात कर लें तो ये चीज आपको एवरेज स्कोर्स में भी दिखेगी। जो फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर है इस मैदान पर वो 361 है। इसके अलावा जो एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर है वो 253 है। वहीं पर एवरेज थर्ड इनिंग्स का स्कोर 257 है। इसके अलावा एवरेज फोर्थ इनिंग्स का स्कोर 260 है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पहली पारी का स्कोर है वो भी एवरेज काफी ज्यादा हाई है और जो दूसरी, तीसरी और चौथी पारी का जो एवरेज स्कोर है वो भी लगभग एक जैसा ही है। इसका मतलब है कि यहां पर बैटिंग की कंडीशंस पांचों दिन आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा
ज़्यादा पिच पर वियर एंड टियर आ जाएगा या स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने लगेगी या फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने लगेगी। यहाँ पर बैटिंग के लिए कंडीशंस पूरे टेस्ट मैच में ज़्यादातर अच्छी रहने वाली है। पिच जो है वो फ्लैट हो जाती है और बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है विकेट चटकाने के लिए। तो ये चीज़ आप एवरेज स्कोर्स में क्लियर देख सकते हैं। तो बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर मौज होने वाली है और आपको बड़े स्कोर्स इस टेस्ट मैच में देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बेलेदीव ओवल होबार्ट की पिच पर कौन से बॉलर्स ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2016 के बाद से इस मैदान पर कोई भी टेस्ट मुकाबला नहीं खेला गया है और 2016 के बाद ऐसा पहला मौका होगा जब इस मैदान पर कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा और ऐसा पहला मौका होगा जब इस मैदान पर कोई पिंक बॉल यानी कि डे नाइट टेस्ट मुकाबला होने वाला है। तो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि किस गेंदबाजों को यहाँ पर ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन 2010 से 2016 के बीच जो टेस्ट मैच खेले गए हैं, अगर हम उन आंकड़ों की बात कर लें तो इस दौरान इस मैदान पर टोटल 5 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं जहाँ पर तेज़ गेंदबाजों का दबदबा हमें देखने को मिला है। तेज गेंदबाजों ने कुल मिलाकर 113 विकेट्स चटकाए हैं जहीं पर स्पिनर्स को टोटल 28 विकेट्स मिले हैं। तो आप इन आंकड़ों से देख सकते हैं कि फास्ट बॉलर्स को यहां पर ज्यादा मदद मिलती है कंपैरेटिवली स्पिनर्स के, और स्पिनर्स का रोल जो है वो थर्ड इनिंग्स और चौथे इनिंग्स में इस मैदान पर ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर कई बार हमको स्पिनर्स की तरफ से इस मैदान पर अच्छे स्पेल तीसरी इनिंग्स और चौथी इनिंग्स में देखने को मिले हैं। क्योंकि जब पिच फ्लैट हो जाती है तो इस मैदान पर पहली पारी और दूसरी पारी में तो बल्लेबाजों के लिए ज्यादा मदद देती है, लेकिन तीसरी पारी और चौथी पारी में हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत हेल्प और स्पिनर्स के लिए टर्न और ब्रेक इस मैदान पर देखने को मिल सकता है। तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आप दोनों टीमों के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा अपनी प्लेइंग 11 में रखिएगा। इसके अलावा आप एक स्पिनर को अपनी प्लेइंग 11 में भी रख सकते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस पांचवें एशेज टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो आपको ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में इस टेस्ट मैच में कुछ बदलाव होते हुए नजर आ सकते हैं जहां पर आपको ओपनिंग स्लॉट पर नजर आ सकते हैं मार्कस हैरिस की जगह उस्मान खवाजा, जिन्होंने चौथे टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शानदार शतक जड़ा था। और इसके अलावा दोस्तों ट्रेविस हेड की भी वापसी होने वाली है इस टेस्ट मैच में, जिन्होंने पिछला टेस्ट मैच कोविड-19 की वजह से मिस कर दिया था लेकिन अब वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। तो आपको ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 इस टेस्ट मैच में कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे डेविड वार्नर के साथ उस्मान खवाजा, नंबर 3 पर आ सकते हैं मार्नस लाबुशेन, नंबर 4 पर स्टीवन स्मिथ, नंबर 5 पर ट्रेविस हेड, नंबर 6 पर कैमरॉन ग्रीन, नंबर 7 पर विकेटकीपर एलेक्स कैरी, नंबर 8 पर कैप्टन पैट कमिंस, नंबर 9 पर मिचेल स्टार्क, नंबर 10 पर झाई रिचर्डसन या फिर स्कॉट बोलैंड में से कोई एक खेल सकता है, और इसके अलावा नंबर 11 पर नेथन लियॉन आने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस पांचवें एशेज टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में 5 बदलाव होते हुए नजर आ सकते हैं जहां पर उनके कुछ खिलाड़ी इंजरी की वजह से इस टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, जैसे कि जॉर्ज बटलर, इसके अलावा जॉनी बेस्टो, वहीं पर कुछ खिलाड़ी फॉर्म की वजह से भी बाहर हो सकते हैं जैसे कि हसीब हमीद। तो आपको यहां पर इंग्लैंड की प्लेइंग 11 इस पांचवें एशेज टेस्ट मैच में इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आ सकते हैं रॉरी बर्न्स के साथ जैक क्रॉली, नंबर 3 पर आ सकते हैं डेविड मलान, नंबर 4 पर कैप्टन जो रूट, नंबर 5 पर बेन स्टोक्स, नंबर 6 पर ओली पोप या फिर जॉनी बेस्टो में से कोई एक खेलेगा, वहीं पर नंबर 7 पर आपको नजर आएंगे विकेटकीपर सैम बिलिंग्स, नंबर 8 पर क्रिस वोक्स, नंबर 9 पर ओली रॉबिन्सन, नंबर 10 पर मार्क वुड और नंबर 11 पर स्टुअर्ट ब्रॉड खेल सकते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 दोनों टीमों की तरफ से इस पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट मैच में नजर आ सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की कि मुझे क्या लगता है कौन सी टीम यह मुकाबला जीतने वाली है। तो दोस्तों पहले 3 टेस्ट मैचेस इस एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कंप्लीटली डोमिनेटिंग अंदाज में जीते, लेकिन जो पिछला टेस्ट मैच सिडनी में हुआ वहां पर इंग्लैंड की टीम ने थोड़ा सा फाइट दिखाया और वो टेस्ट मैच रोमांचक तरीके से ड्रॉ हो गया था। तो वहां से इंग्लैंड की टीम को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा और उसी मोमेंटम के साथ वो इस पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच में भी आएंगे और उनकी पूरी कोशिश होगी कि इस एशेज सीरीज में एकमात्र जीत दर्ज करी जाए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके घर पर ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, ये हम सब जानते हैं, और इंग्लैंड की टीम का जो प्रदर्शन रहा है वो इस एशेज सीरीज में काफी ज्यादा निराशाजनक रहा है, लेकिन वो सिडनी जैसा प्रदर्शन होबार्ट के मैदान पर भी करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये पिंक बॉल से टेस्ट मैच होने वाला है और ऐसा पहला मौका होगा जब होबार्ट में कोई पिंक बॉल से टेस्ट मैच खेला जाएगा, तो हमें पता नहीं है कि वहां पिंक बॉल कितना ज्यादा हरकत करेगी या किस प्रकार से यह टेस्ट मैच चलेगा। तो ऐसे में जो एडवांटेज है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अपने कंडीशन में खेलने का एडवांटेज है, वहीं पर वो फर्स्ट क्लास मैचेस भी पिंक बॉल से वहां पे खेल चुके हैं। तो इसलिए मेरा जो इस मैच की फेवरेट टीम होने वाली है वो एक
बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ही होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इस एशेज सीरीज में इंग्लैंड के ऊपर पूरी तरीके से दबदबा बनाया हुआ है। और सिडनी में भी अगर थोड़ी बहुत बारिश ना हुई होती तो उसकी वजह से अगर प्ले खत्म ना हुआ होता तो मुझे लगता है कि वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच जीत सकती थी। इसलिए दोस्तों इस पांचवे और आखिरी एशेज टेस्ट मैच के लिए जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ ही जाने वाली है। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है कि किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत लग रही है और कौन सी टीम ये पांचवा और आखिरी एशेज टेस्ट मैच जीतने वाली है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, take care, stay safe and goodbye.